न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। वहीं कासगंज में एसपी ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर पैदल गश्त किया। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने सीओ प्रभारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया। शांति और कानून व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से पैदल मार्च किया गया। एसपी ने पैदल गश्त के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने अराजक तत्वों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पैदल गश्त के दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी ली गई। सोरो कस्बे के संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदू महासभा का ऐलान हुआ है। हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान करते हुए कहा कि रेस्टोरेंट और होटलों में मिला प्रेमी जोड़ा तो जबरन शादी कराएंगे मंदिर में। और एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदू महासभा की महिला इकाइयों ने किया लट पूजन। वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदू महासभा का 14 फरवरी को सुबह 10 बजे के शाम 4 बजे तक अभियान चलेगा। आपको बता दें कि गुंडा देवी पांडेश्वर नाथ मंदिर, बड़पुर स्थित शीतला माता मंदिर सहित होटल रेस्टोरेंट और मेला श्रीराम नगरिया में प्रेमी जोड़ों की तलाश करेगी हिंदू महासभा। प्रेमी जोड़ों के बालिग होने पर मंदिर में हिंदू महासभा जबरन शादी कराएगी। पुजारी साथ चलेंगे। महिला नगर अध्यक्ष ने प्रेमी जोड़ों को चेतावनी दी है अगर अश्लीलता फैलाई तो धुनाई भी की जाएगी। युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने बताया कि जिले में कई होटल रेस्टोरेंट बन गए हैं। भोली वाली नाबालिग लड़की को फंसा कर कुकृत्य करने का काम ऐसे रेस्टोरेंट और होटल्स में चल रहा है। हिंदू महासभा सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाएगी। फरुखाबाद का एक पूरा मामला हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। फरुखाबाद का बच्चा फरुखाबाद के सभी लोग और फरुखाबाद के होटल मालिक सभी जानते हैं कि हिंदू महासभा गलत काम बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसा कि हम लोग लगातार हर वर्ष केवल एक आह्वान। फरुखाबाद में समाजवादी पार्टी ने 11,000 पतंगे बांटी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ त्रिपोलिया चौक पर पहुंचकर 11,000 पतंग बांटते हुए नजर आए, जो कि सपा के रंग में रंगी थी और साइकिल निशान बना हुआ था। पतंग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बसंत पंचमी के दिन ये पतंगे बांटी है। इसके विपरीत पतंग सपा के झंडा रूपी विपरीत शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपोलिया चौक पर बांटी गई। माननीय अखिलेश यादव जी की प्रेरणा से हम सभी लोगों ने फरुखाबाद चौराहे पर समाजवादी झंडे रूपी पतंग का वितरण किया। और वितरण करने का मुख्य कारण यह था कि जो महंगाई इस दौरान चल रही है, जिस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है, उस महंगाई के कारण आम जनमानस कोई भी त्योहार संपन्न करने के लिए बड़ी कठिनाई। पीलीभीत की पुरनपुर तहसील क्षेत्र के हरिपुर पुल के पास में देर रात एक तेंदुआ कार के सामने अचानक आ गया। कार चालक ने अपनी कार को रोक लिया। उसके बाद तेंदुआ कार चालक के सामने ही पुल पर दौड़ लगाने लगा। कार चालक ने तेंदुआ का दौड़ लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर तेंदुआ और बाघ गांव के नजदीक आकर अक्सर देखे जाते हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों और राहगीरों में दहशत का माहौल भी बना रहता है। महोबा में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। सराफा व्यापारी लूट हत्याकांड के बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। 4 दिन पहले भी मुठभेड़ हुई थी और एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गोली मारी। पिता पुत्र दोनों बदमाश बताए जा रहे हैं। गोली लगने से घायल हो गए। लूट के आभूषण हथियार भी बरामद हुए। सराफा व्यापारी हत्याकांड में वांछित चल रहे थे दोनों। घायल बदमाश नईम और शकूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के दतिया निवासी दोनों बदमाश पनवाड़ी थाना क्षेत्र के जमाला इलाके की यह पूरी घटना है। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में देर रात कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। क्षेत्रीय लोगों ने आग की लपटें उठती देख पुलिस और दमकल को मौके पर सूचना दी। अधिकारी राहुल नंदन ने टीम के साथ आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों की प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी मिली है। 150 फीट रोड पर कबाड़ गोदाम में मंगलवार देर रात यह आग लगी। आग लगने से पड़ोस के मकानों में रहने वाले परिवारों में हड़कंप मच गया। फिलहाल किसी तरह से आग पर काबू पाया गया है। आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे खंदौली में इस सड़क हादसा हो गया। अयोध्या से दर्शन कर लौट रही बस में कंटेनर जोरदार टक्कर मार दी। एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बस में बैठे थे यात्री। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। एक्सप्रेसवे के 153 के कट पर यह हादसा हुआ। 3 यात्रियों की हालत गंभीर है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महोबा में वैलेंटाइंस डे के दिन प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दी। एक ही जाति के मृतक बताए जा रहे हैं। प्रेमी जोड़े की मौत से परिवार में कोहराम है। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के कनेरा गांव की पूरी घटना। तो पूरा मामला थाना नूरपुर के लज्जावती पेट्रोल पंप इलाके का है, बिजनौर का, जहां एक रात में एक कार में एक महिला और एक व्यक्ति सवार होकर जा रहे थे। जैसे कार लज्जावती पेट्रोल पंप पर पहुंची तो टैंकर पेट्रोल पंप के परिसर की ओर आ रहा था। उसे पीछे कार जा घुसी। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक नशे की हालत में था। कार में बैठी महिला मामूली रूप से घायल हो गई है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर पुनावली कला गांव में जहां देर रात एक बिल्ली किसी के घर में जा घुसी और लोटे में रखा दूध पीने लगी। लोटे का मुंह सकरा होने की वजह से बिल्ली का मुंह उसी में फंस गया और बिल्ली भागते हुए सड़क पर आ गई। बिल्ली के मुंह में फंसा लोटा देखने के लिए
वहां पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने काफी कोशिश की उसे निकालने की और एक घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार इसमें ग्रामीण सफल हो गए और किसी तरह से उस बिल्ली की जान बचाई। श्रावस्ती में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतिम दिन आयोजित हुआ कार्यक्रम। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कुष्ठ रोगी के चिन्हित मरीजों को बीमारी के बारे में जागरूक किया गया। स्वसेवी संगठन के माध्यम से सीएम डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने मरीजों को राशन किट वितरित किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार होमगार्ड को जोरदार टक्कर मार दी। डीसीएम की टक्कर से होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अचलेश्वर गांव के पास का है, जहां ड्यूटी पर जा रहे सड़क पर बाइक पर सवार होकर होमगार्ड तेज बहादुर को तेज रफ्तार डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने डीसीएम चालक को गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।